एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ जरूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक आपको हमारे पिम्पलेट अभी प्रेस पर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड्स हैं उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करना है। रात को 2 बजे में प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैंने ऑटो वाले को रोक कर वहां जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले शिलाज क्रॉसिंग आया, वहां पर 2 औरतें खड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गई। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया उसमें से एक औरत वही उतर गई। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, फिर से ऑटो चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पांव रखा और बोलने लगी, भैया आपने उस औरत के पांव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पांव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पांव उल्टे हैं। उसके पांवों की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए। और सुबह 4 बजे जब बेहोशी से उठे तो मेरे दोस्त को फोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाकये के बाद मैं 15 दिन तक बीमार रहा।